तो इस कहानी का शीर्षक है जंग बहादुर नवाब रंगीले। जंग बहादुर नवाब रंगीले का ना तो जंग से वास्ता था और ना ही बहादुरी से, फिर भी नाम था जंग बहादुर। किसी समय वो नगाड़ापुर के राजा बने थे। कोई कहता था 7 दिन के लिए सुल्तान थे, तो कोई कहता था 6 दिन के लिए। सच तो यह है कि वो जिस दिन सुल्तान बने थे उसी दिन भारत आजाद हो गया था। नवाबी के दिन क्या खत्म हुए, वे अपनी बेगम रंगीली के साथ छोटी सी झोपड़ी में आ गए और मुर्गी पालने से लेकर शेर मारने तक का जो भी काम मिला। सुल्तान तो नहीं रहे पर अब भी जंग लगी तलवार लिए घूमते थे और बच्चों को अपने शिकार के किस्से सुनाते थे। एक दिन ऐसे ही वो बच्चों के शिकार का किस्सा सुना रहे थे। हम शेर के पीछे ऐसे भागे थे, तभी एक बच्चे ने पूछा, नवाब साहब आगे क्या हुआ? नवाब साहब बोले, होना क्या था, कभी शेर आगे तो कभी हम आगे। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। तभी नवाब रंगीले का दोस्त शेर सिंह घबराया हुआ वहां से निकला। नवाब रंगीले ने उससे पूछा, भाई शेरू क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या कोई मच्छर देख लिया? शेर सिंह ने जवाब दिया, बात ही कुछ ऐसी है, रात को मेरे घर पर डाका पड़ गया था। नवाब रंगीले ने कहा, रात में ही मुझे बुला लेते मैं आ जाता। शेर सिंह ने कहा, सुबह आँख खुली तभी पता चला, वैसे पिछली रात उसने 1 नहीं 3 घर लूटे हैं। नवाब रंगीले ने कहा, वैसे यह बस्ती कायरों की है, तभी यह जरूरत हुई। बस्ती में एक ही शेर है और वह है हम। यदि हम होते तो भूतनाथ डाकू को उसकी पूंछ से पकड़कर सबके सामने खड़ा कर देते। शेर सिंह तुरंत बोला, इसलिए पंचों ने फैसला लिया है कि आपको आज रात जंगल में जाकर भूतनाथ को पकड़ के लाना है। वैसे उन्होंने भूतनाथ को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी रखा है। यह सुनते ही नवाब रंगीले के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए घर पहुंचे और रंगीली बेगम से पूछा, क्या बात है, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो, क्या भूतनाथ से लड़ने जाना है? नवाब रंगीले ने कहा, हाँ बेगम, पंचों ने यही फैसला सुनाया है, ऐसा करना कि यदि शेर सिंह आ जाए तो कह देना कि हम घर पे नहीं हैं, यदि पंच आ जाए तो कह देना कि वो तैयार होकर जंगल चले गए। यह कहकर नवाब रंगीले चारपाई के नीचे छिप गए। तभी उन्होंने शेर सिंह को दरवाजे पे खड़े देखा। वह बोला, क्यों रंगीले, डर गए क्या भूतनाथ से? शेर सिंह ने सब बातें सुन ली थी। तब नवाब रंगीले ने कहा, नहीं शेर सिंह, मैं तो चारपाई के नीचे अपनी तलवार ढूंढ रहा था, भला भूतनाथ का मुकाबला मैं बिना तलवार के कैसे कर सकता हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम चलो मैं बस जंगल जा रहा हूँ। शेर सिंह ने कहा, गुस्ताखी माफ हो, हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, मैं ही नहीं सारे पंच भी आपको जंगल तक छोड़ने आए हैं। यह सुनकर नवाब रंगीले के पसीने छूट गए, वो मन ही मन बड़बड़ाने लगे, आह आलतू जलालतू बाई बला को टालतू। फिर उन्होंने अपनी तलवार टांगी, जूतियां पहनी, टोपी लगाई और निकल पड़े। चौराहे पर पंच खड़े थे, वो भी पीछे पीछे चल दिए। अब नवाब रंगीले दूल्हे की तरह आगे आगे और पांच बाराती की तरह पीछे पीछे चल रहे थे नवाब रंगीले को भूतनाथ के पास जाना था। रात का समय था और उसके पसीने छूट रहे थे, पर बचने का कोई चारा न था। वो आगे बढ़े और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर समस्या का उपाय सोचने लगे। सोचा कि क्यों ना इस पेड़ पर चढ़कर रात काट ली जाए, जंगली जानवरों से भी बचाव हो जाएगा। यह सोचकर वो पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी पेड़ पर भूतनाथ सो रहा था। आहट से उठकर भूतनाथ दहाड़ा, कौन है? घबरा कर नवाब रंगीले ने जवाब दिया, जी मैं हूं। भूतनाथ ने कहा, मैं कौन बकरी? यह बात रवि नवाब रंगीले को चुभ गई। वह तुरंत बोले, मैं जंग बहादुर नवाब रंगीला हूं और यहां भूतनाथ को पकड़ने आया हूं, आज उसे पकड़कर चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन तुम कौन हो? भूतनाथ ने सोचा कि क्यों ना मजा ली जाए। वो बोला, मैं तो कल्लू हलवाई हूँ, कई महीनों चल रहा है, सोचा भूतनाथ को पकड़कर 10,000 कमा लूंगा, 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। नवाब रंगीले ने सोचा कि चलो अच्छा है, रात काटने के लिए कोई साथी मिल गया। फिर भी वो उससे बोले, कल्लू तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे घर चलो, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, वैसे मैं भी कोई 10,000 के पीछे यहाँ थोड़ी आया हूँ, मेरी बीवी ने बहुत से गहने हमारे बुढ़ापे के लिए सलामत रखे हैं। यह सुनते ही भूतनाथ ने सोच लिया, आज तो ये गहने ही पार किए जाएंगे। यह नवाब रंगीले के साथ उसके घर पहुंच गया। बीवी की
बीवी को पूरी हलवा बनाने को कहा। नवाब रंगीले अपने दोस्त कल्लू हलवाई से गप्पे लड़ाने लगा। वो शेखी बगाड़ते हुए बोला, जब प्रधानमंत्री नगाड़पुर आते थे तो हमारी बीवी के हाथ का बना पूरी हलवा जरूर खाते थे। लेकिन रसोई में बैठी रंगीली बेगन सोच रही थी, इतनी रात गए कल्लू हलवाई, हलवाई इतनी भयानक आकृति वाला और लंबे चौड़ा तो नहीं होते हैं। उसे समझ में आ गया था कि हो ना हो यह भूतनाथ ही है। उसने नींद में खाने में नींद की गोलियां मिला दी और दो प्लेटों में खाना परोस कर ले आई। भूतनाथ तुरंत नींद की गोलियां खाकर सो गया। रंगीली बेगम कुछ कहती इससे पहले कि वह गहरी नींद में सो गया। नवाब हैरान रह गए कि यह क्या माजरा है। बीवी से पूछने पर उन्होंने सारा किस्सा समझाया। फिर इससे पहले कि भूतनाथ नींद से जागता, उन्होंने बंदी बनाकर पंचों के हवाले कर दिया और अपना इनाम पाया। और इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई।